हमारे साथ कमलजीत भी जुड़े हुए हैं जो मोहाली से लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। कमलजीत, क्या तस्वीर बदली है, क्या बारिश थमी है क्षण भर के लिए भी वहां पर? देखिए, लगातार तीसरे दिन बारिश लगातार हो रही है। हम इस वक्त राजपुरा में हैं, मोहाली से थोड़ा आगे निकल कर आए हैं चितकारा यूनिवर्सिटी, जहां पे कुछ देर पहले तक सेना अपना ऑपरेशन जारी कर रही थी और यहां पे कई स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए थे, उन्हें निकाला गया है और फिलहाल यहां पे यूनिवर्सिटी खाली करा दी गई है। आपको बता दें यहां पे कई ऐसे स्टूडेंट्स थे और आपको पता होगा पिछले अगले दो दिन के लिए जो स्कूल है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो बंद है। लेकिन जिस तरह का भराव है, आप देखेंगे एक तरफ जहां पे बसें खड़ी हैं और जहां पे गाड़ियां खड़ी हैं वहां सूख चुका है, लेकिन ये जो दूसरा एंट्रेंस है वहां पे जल भराव अभी भी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, रात के जो विजुअल्स आए हैं जहां पे सेना ने अपनी नाव वहां पे लगाई थी और यहां पे बच्चों को निकाला गया, यहां पर इस तरह के नजारे कभी नहीं देखे गए। खासतौर पर मोहाली में जिस तरह से हमने देखा कि सड़कों पर पानी आ चुका है, कुछ देर पहले हम AWHO की सोसाइटी में थे, वहां पे भी कई लो लाइंग एरियाज के अंदर पानी आ चुका है, गाड़ियां ठप हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं और अब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। निश्चित तौर पर, लेकिन ये आफत जी अभी भी बूंदाबांदी लगातार चल रही है। बिल्कुल कमल आएंगे आपके पास, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें कि देश भर से आज तक के 18 रिपोर्टर 18 शहरों से हमारे साथ है। किसके पास जाएंगे? बिल्कुल, खतरा बहुत बड़ा है, दिल्ली में भी तमाम संवाददाता है, लेकिन अब हम रुख कर लेते हैं अंबाला का। अर्पिता आर्या हमारी सहयोगी वहां से लगातार जुड़ी हुई है। अर्पिता, आप जानना चाहेंगे कि लोगों की परेशानी बहुत बढ़ गई है, चुनौती ज्यादा बड़ी है, और आप शासन प्रशासन सरकार की क्या तैयारी देख पा रहे हैं इस बीच? देखिए, अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन का यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तब जब यहाँ पर इतना पानी है कि गाड़ियाँ ठप पड़ चुकी हैं, लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है, आप अंदर से आ रहे हैं, क्या हालात बने हुए? हम बंदे लेने जा रहे हैं मैडम, बंदे फंसे हुए हमारे सतोपुर में, पानी काफी फंसे हुए। हाँ जी, कहाँ पर? सतोपुर में। अच्छा, तो कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं? 3-4 आदमी है मैम। आगे पानी और ज्यादा कह रहा है, ज्यादा पानी है मैम। और यहाँ प्रशासन की मदद मिल रही है? कोई प्रशासन आया नहीं मैम, आप तुम्हारे सामने हैं सब, अपने आप ही बेचारे धक्के खा रहे सारी दुनिया। इधर कॉलोनी में टोटल कॉलोनी सारी की सारी टोटल डूब चुकी है अंदर ने बसे जाके। किस तरफ जा रहे हैं? मैं सतोपुर जा रहा हूँ, उधर से तो निकाल दिए बंदे, उधर भी पूरे आप सतोपुर में जा रहा हूँ मैम। जरा मुझे भी बैठाइए। हाँ चलिए भैया, जरा इसको पार करा दीजिए, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर ये पार करना। और किस खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ मैम, खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत है मैम, खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत है अंदर। अंदर कितने मकान है जो डूब? अंदर कम से कम 600-700 मकान हो गए मैम, ज्यादा ही हो गए। लोगों को निकाला गया है घरों से क्या? वहाँ से कुछ तो आदमी को निकाल चुका हूँ और कुछ जो सतों पर अभी फोन आया वहाँ। आप अपने आप ये काम कर रहे हैं या? अपने आप ही कर रहा हूँ, प्रशासन मेरे को किसी न किसी ने बोला मैम। अच्छा, तो ये आप कब से लगे हुए हैं लोगों की मदद करने? सुबह का 7:30-8 बजे का लगा हुआ मैम। अच्छा, खाना वाना भी पहुंचा रहे हैं? हाँ, खाना ही पहुंचा, पंजोकरा साहब से लेके आया हूँ यहाँ दिया है। खुद अर्पिता, ये पेंशन वाले भैया जो हैं, यहाँ इस तरफ और इस तरफ आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो बिल्कुल। देखिए आशुतोष, गांव के लड़के जो ट्रैफिक सेट कर रहे हैं, यहाँ कोई प्रशासन का बंदा नहीं है, ये मेरे गांव के लड़के लगे हुए हैं टोटल के टोटल। ये देखो धक्का लगा रहा है लड़का, ये मेरे गांव का है। वो देखिए स्कूटी जो है बंद पड़ गई है और ऐसे ही यहाँ स्थानीय लोग ही है जो मदद कर रहे हैं, यहाँ ट्रैक्टर लेकर लोगों के घरों में जाकर उन्हें राशन पहुँचाना, वहाँ से निकालना, सारी मेहनत हो रही है। अर्पिता, ये बहुत अच्छी तस्वीर और बहुत अच्छे लोगों से आपने बात करवाई। ये देखिए, ये हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं आशु राजीव, लेकिन हमारा निवेदन प्लीज आपसे ये है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो ऐसे खराब मौसम में घर से बाहर ना निकले। संकट की घड़ी में राजीव और NDRF की टीम भी देवदूत बनकर उभर जाती है, क्योंकि अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर लोगों की जिंदगी को बचाने का काम करती है। अब हम मंडी लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश, वहां से मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अभी आपके आसपास क्या आप मंजर देख पा रहे हैं, क्योंकि तबाही वहां बहुत कुछ हुई है, शासन प्रशासन सरकार का क्या रवैया है, क्या व्यवस्था है, लोग किस तरह से इस चुनौती से निपट रहे हैं? देखिए राजीव, इस वक्त हम लोग मंडी शहर के बीचों बीच बने पुल पर मौजूद हैं और मेरे बाई ओर जहां आप नजर दौड़ाएंगे, प्यास का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और आप ये देखिए, ये 1885 में बना विक्टोरिया पुल है, जहां को ये जो पानी की उछालें हैं लगातार इसको छू रही हैं। फिलहाल इस पुल पर आवाजाही रोक दी गई है और
दूसरे जो पुल हैं मंडी जिला में आधे दर्जन से ज्यादा पुल बह गए हैं, उसमें फुटब्रिज भी शामिल है। मंडी में 30 लोगों के करीब जो लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है वो कई जगहों पर फंसे हुए थे। वहीं अगर पड़ोसी जिला कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भी 60 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है और लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, एक मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी है और मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है 7 जिलों के लिए, मंडी भी उनमें से एक है जहां पर रेड अलर्ट चल रहा है। अगले 3 दिनों के लिए भी मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है, लगातार बारिश हो रही है, लोगों का जीना दुभर है। सबसे बड़ी मुश्किल यहां घूमने आए पर्यटकों के लिए हो रही है, मनाली में भी सैकड़ों के हिसाब से पर्यटक फंसे हुए। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने कैमरामैन से कहिए कि पुल की तस्वीरें दिखाते रहे। एक बार फिर से आज तक देखने वाले सभी दर्शकों को हम आपसे निवेदन है, बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जल प्रलय है, ये पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, खतरा बहुत ज्यादा है। सभी रिपोर्टर्स हमारे, आपसे भी निवेदन है कि लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम देश भर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते रहे। मोहाली एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे साथ कमलजीत संधु लगातार बने हुए। कमलजीत, क्या आज से पहले मोहाली वासियों ने आपने कभी ऐसी स्थिति वहां देखी थी, ऐसी तस्वीर कभी देखी थी? देखिए, ऐसा लग रहा है कि पंजाब चीरा पूंजी बन चुका है, इतनी बारिश शायद किसी ने नहीं देखी हुई। हमने आस पड़ोस से लोगों से पूछा, माता पिता से बात की, सबसे पूछा और अब तक की ये सबसे ज्यादा बारिश है, 300 mm बारिश हो चुकी है और उसके बावजूद यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले चुकी है। बीच में हल्की सी राहत मिलती जैसे अब मिल रही है, जहां पे हल्का बूंदा बांदी होती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर तेजी से पकड़ता है बारिश और उसके बाद धुआंधार बारिश होता है। इसी वजह से जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ बात करें, जो आसपास के डैम है, चाहे हिमाचल के हों, हरियाणा के हों, फ्लड गेट्स हैं और खास तौर पे यहाँ पर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चितकारा यूनिवर्सिटी है, वहां पे जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, कई सोसाइटीज में है, चाहे एनडीआरएफ है, पंजाब पुलिस है, सेना है, वो बुलाई गई है और अब भी मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। यानी कुछ राहत होगी लेकिन कई लोग हैं वो मानते हैं कि जीवन अस्त व्यस्त जरूर हुआ है, लेकिन पटरी पर कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि बारिश जब थमेगी उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है भारी बारिश की वजह से। हमने देखा है कि कई मकान धंसे हैं।